or the Consul General also here somewhere, Consul General of China, provincial ministers, members of the National Assembly, members of the Provincial Assembly, Chairman Hupko Habibullah Khan Saab, CEO Hupko Kamran Kamal Saab, CEO SCMC, Mr. Amir Iqbal, Mr. Salimullah, ladies and gentlemen, and most of all, our Chinese friends here, and most of all, the local residents of Thar and Block 2. Assalamu alaikum. Sahab, बहुत खुशी हुई आपको यहाँ देख के. आपको यहाँ इनवाइट किया था और आपने मेहरबानी की. और ये वो जर्नी है जो 1991 से आपने प्रेजेंटेशन भी ली थी. पहले 1991 से शुरू हुई थी, जहाँ जब थर यहाँ कोयले के रिजर्व्स दरियाफ्त हुए थे, और उसके एकदम बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट आई और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का विज़न था और वो जो नारा था उन्होंने लगाया था पहले कि थर बदलेगा पाकिस्तान. उसी सिलसिले में 96 में यहाँ थर आके उन्होंने माइनिंग का आगाज़ किया था. यहाँ से केटी बंदर गई थी. केटी बंदर में उन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा था. दो पावर प्लांट्स लगाने थे, 5,280 मेगावाट का एक, 10,560 मेगावाट के पावर प्लांट्स एमओयू साइन हुआ था गॉर्डन वू के साथ. और दिस वाज बेस्ड ऑन थरकोल. और उनकी विजन उस वक्त ये था कि ये हम पावर प्लांट्स केटी बंदर में लगाएंगे, रेल लिंक बनाएंगे केटी बंदर तक, इसलिए कि यहाँ पे थर पे इतना कोयला है जो हम इंशाल्लाह ताला एक्सपोर्ट करेंगे. पानी के करीब होने चाहिए थे, पानी का इशू था, इसलिए केटी बंदर का सोचा. अनफॉर्चुनेटली आप सोचें, अगर 96 जनवरी 96 में ये हुआ था, अगर उस वक्त इन पावर प्लांट्स पे काम शुरू हो जाता, माइनिंग शुरू हो जाती, सन 2000 से पहले हम 10,500 मेगावाट पावर कोल से बनाते, आज पाकिस्तान एक बदला हुआ मुल्क होता. अनफॉर्चुनेटली उस वक्त हमने वो कैसे कहते ना, वो ट्रेन छूट गई हमसे, ट्रेन बनी भी नहीं. उसके बाद 2002 की गवर्नमेंट के दौरान एक चाइनीज़ कंपनी आई, सिंध कोल अथॉरिटी उनके साथ काम कर रही थी. और 2004 में दिस कंपनी शेनवा, इन्होंने इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली 6.75 सेंट्स का टैरिफ दिया. उस वक्त जो हमारे रेगुलेटर्स थे उन्होंने कहा नहीं, 6.4 सेंट से ऊपर नहीं देंगे हम आपको. तो 0.35 ऑफ अ सेंट की वजह से वो शेनवा 2004 में चली गई. और ये था कि जी थर के ऊपर एक बार पहले गॉर्डन वू चला गया, दूसरी बार शेनवा चली गई. 2008 में जब पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट आई तो दिस इज़ वेयर वी वर स्टैंडिंग. थर का जो प्रॉमिस था वो समझ रहे थे लोग के ख़त्म हो गए. थर को बुरा भला इतना कहा गया, थर के कोयले को, कि जी इसकी ये तो आग लग जाएगी, बाहर निकलेगा तो जल जाएगा, इसकी क्लैरिफिक वैल्यू नहीं है, ये पावर जनरेशन के लिए नहीं हो सकता. और 2008 में मैं अपने आप को खुशकिस्मत इसलिए भी समझता हूँ कि जब 96 में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो आई थी, सदर आसिफ अली जरदारी उनके साथ थे और मेरे वालिद उस वक्त चीफ मिनिस्टर सिंध थे, वो भी उनके साथ थे. और फिर 2008 में जब सदर जरदारी ने, अभी वो प्रेसिडेंट नहीं बने थे, उन्होंने कहा कि जी थर मैं गया था और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का ये विजन है और हमने थर बनाना है. कायम अली शाह साहब चीफ मिनिस्टर थे, हमने उधर ही थर कोल एंड एनर्जी बोर्ड बनाया और मैं उस थर कोल एनर्जी बोर्ड का मेंबर उस दिन से आज तक हूँ. अब चेयरमैन हूँ बोर्ड का और ये वाहिद इदारा है मेरा ख्याल है पाकिस्तान में जो कि आई डोंट नो कौन ये कि गलत है, लेकिन हो रहा है कि इसकी चेयर करता है प्रोविंशियल चीफ मिनिस्टर और फेडरल पावर मिनिस्टर इसका वाइस चेयरमैन है. और बड़ी अच्छी तरीके से इसने काम किया है थ्रू आउट, एक्सेप्ट पिछले चार पाँच साल तो हमें प्रॉब्लम्स काफ़ी हुए थे, मीटिंग्स ही नहीं हुई इसकी, को आते ही नहीं था, उसके भी मैं जिक्र करूँगा.
और इस घर से हमने शुरू किया। जब जर्नी शुरू की दोबारा, हमारे साथ कोई कोई काम करने के लिए तैयार नहीं था। द चाइनीज एट दैट टाइम वो बर्न सो बैडली ट्वाइस दैट दे डिड नॉट वॉन्ट टू कम टू थर। हमें जब कोई रास्ता और नहीं मिला तो हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में कहा कि जी सिंध गवर्नमेंट इक्विटी डालेगी, 40% इक्विटी हमने उस वक्त कहा डालेंगे, 60% एंग्रो कॉरपोरेशन हमारे साथ आई और 2009 में हमने ये कंपनी बनाई आफ्टर दी फॉरेनर्स हैड जस्ट रिफ्यूज्ड। मैं इतना मैंने आपको भी बताया भी था कि शेनवा व्हेन वी अप्रोच देम इन 2010 कि जी हमारे जो आपने स्टडीज़ किए हैं वो आप हमें दे दें, तो उन्होंने हमें बिल्कुल साफ मना कर दिया कि जी हम थर की तरफ आएंगे ही नहीं, हम आपसे कोई कोऑपरेशन नहीं करेंगे, इसलिए कि आपने हमारी सारी और हमने अपने वो पैसे जो ज़ियान किए हैं हम वापस लेने के लिए भी तैयार नहीं हैं। हमने ये भी कहा था कि जी हम बाय करने के लिए तैयार हैं आपकी स्टडीज़। यहाँ से थर का सफ़र दोबारा शुरू हुआ जो मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने किया था शुरू, सदर आसिफ अली जरदारी ने उसको आगे बढ़ाया और प्राइम मिनिस्टर साहब एक और भी मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि शाहिद खाकान बैठे हैं यहाँ, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रजा गिलानी साहब थे, राजा परवेज अशरफ साहब थे, और उसके बाद अब आप आए हैं एज प्राइम मिनिस्टर। बीच में फिर एक प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने थर आना मुनासिब नहीं समझा इसी वजह से, और मैं आपको आपका आना इंशाल्लाह ताला यहाँ बहुत सुधमंद होगा इसलिए कि थर में पाकिस्तान का फ्यूचर है और सिंध के अंदर पाकिस्तान के फ्यूचर है, और मैं उस पर भी थोड़ी सी कोशिश करूँगा जल्दी से आपको कुछ बताऊँ। प्राइम मिनिस्टर साहब उसके बाद 2014 में, 2013 की जब गवर्नमेंट चेंज हुई तो लोग समझे कि शायद ये थर दोबारा बंद हो जाएगा। 2014 में वाकई एंग्रो कॉरपोरेशन, इधर बैठे एंग्रो वाले लोग उनको कुछ पता भी होगा, उनका भी इंटरेस्ट थोड़ा सा कम हो गया। उन्होंने कहा कि नई गवर्नमेंट आई है, पता नहीं सपोर्ट करेगी इस प्रोजेक्ट को कि नहीं करेगी। और उस वक्त फिर मैंने सदर आसिफ अली जरदारी से कहा, और ये होता है जो स्टेट्समैन होते हैं जो मुल्क की इंटरेस्ट को सबसे ऊपर समझते हैं, मैंने उनसे कहा कि जी मैं चाहता हूँ और हम चाह रहे थे, हुकूमत सिंध कायम अली शाह साहब ने कहा कि इसको रिवाइव करने के लिए हम मियां नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी को जॉइंटली इधर लाएं। प्रेसिडेंट जरदारी साहब से ऑब्वियसली मैंने पहले उनसे हमने उनसे पूछा, उन्होंने कहा जी मैं बिल्कुल तैयार हूँ। इसहाक डार साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ, मैंने उनको अप्रोच किया था, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब से पूछा उस वक्त, वो माने। और 2014 में दो पॉलिटिकल पार्टीज जो उस वक्त एक दूसरे के पॉलिटिकली सख्त खिलाफ थी लेकिन नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए दोनों लीडर्स इसी जगह पे आए, तकरीबन इसी जगह जहां हम बैठे हैं इससे थोड़ा दूर, जहां माइन आपने देखी थी जब आप गए थे, वहां पहुंचे और उन दोनों ने इकट्ठे मिलकर इफ्तिताह किया और ये एक टर्निंग पॉइंट था इस प्रोजेक्ट के लिए, इसलिए कि उससे सारे इन्वेस्टर्स को पता चला। उस वक्त दो पॉलिटिकल पार्टीज ही थी जो मेजर थी कि जी दोनों पॉलिटिकल पार्टीज, मेजर पॉलिटिकल पार्टीज कमिटेड हैं फॉर थर और वी नेवर लुक बैक। इश्यूज आए थे हमें, सॉवरन गारंटी का एक बहुत बड़ा मसला क्रिएट हुआ कि जी सॉवरन गारंटी हमें फेडरल गवर्नमेंट दे दी, फेडरल गवर्नमेंट ने उस वक्त थोड़ी सी जिद की कि जी हम देंगे व्हेन द प्रोविंशियल गवर्नमेंट बैकस्टॉप्स इट, हमने कहा हम बैकस्टॉप करेंगे। आगे उन्होंने कहा नहीं जी आप हमें पहले लिख के दें कि इफ़ देयर इज अ कॉल ऑन द सॉवरन गारंटी द फेडरल गवर्नमेंट इज अलाउड टू डिडक्ट एट सोर्स फ्रॉम द NFC फंड्स दैट गो टू द प्रोविंसेस। हमने बड़ी समझाने की कोशिश की कि दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, द शेयर इज प्रोटेक्टेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, इट हैज टू गो टू द प्रोविंस, बट द फेडरल गवर्नमेंट इंसिस्टेड एंड दैट इज वेयर प्राइम मिनिस्टर आई नीड योर इंटेलिजेंस कि ब्यूरोक्रेसी कभी कभी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, बहुत लोगों ने काम भी किया मैं उनका जिक्र भी करूँगा, वो रुक जाती है, बट लॉ ऑफ द लैंड इज फाइनल, प्रोविंसेस के शेयर्स को आप इस तरीके से नहीं काट सकते एट सोर्स, बट हमने वो भी माना। बट सर वो प्रोजेक्ट SECMC का जिसमें 750 मिलियन की सॉवरन गारंटी है, 600
20-30 मिलियन का लोन, डॉलर्स का लोन है, एग्जैक्ट मुझे नंबर नहीं याद. वी बीन पेइंग, द कंपनी हैज बीन पेइंग ऑन टाइम एंड वी डोंट कांट इवन थिंक ऑफ दिस गारंटी बीइंग कॉल्ड. हैव फेथ इन द रिसोर्सेज ऑफ दिस कंट्री. और अगर हमें फेथ नहीं होगा तो हम बाहर के इन्वेस्टर्स को कैसे फेथ दिलाएंगे कि जी इधर वाकई ये काला सोना हमारे यहाँ मौजूद है. वो मरहला भी तय हुआ. 2016 में हमने फाइनेंशियल क्लोज किया. जुलाई 2018 में इंटरिम इलेक्शंस हो रहे थे, इंटरिम गवर्नमेंट थी और कोल की सीम तक पहुँचे. वो हमारे लिए बहुत खुशी का दिन था. और उसके एकदम बाद आई थी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मेहरबानी की थी एंड वी वेंट डाउन टू दी कोल पिट जहाँ कोल निकल रहा था. और मैं बताऊँ वो हमारे लिए बड़ा एक हिस्टोरिकल डे था. और इसके बाद अप्रैल 10, 2019 चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने 660 मेगावाट प्लांट एंग्रो कॉरपोरेशन का जो था उसका इफ्तिताह किया. और वो भी सिग्निफिकेंट था इसलिए कि अप्रैल 10 वो दिन है जब शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो 1986 में पाकिस्तान वापस आई थी. और अप्रैल 10, 2019 थर से पहली बार बिजली नेशनल ग्रिड में गई. और वो बिजली ये बता दूं कि सीधी फैसलाबाद गई यहाँ से और पंजाब को, पाकिस्तान को रोशन कर रही है. प्राइम मिनिस्टर साहब, उसके बाद ये आज दूसरा प्लांट है. कुछ महीने पहले मैं इधर आया था जब सिंक्रोनाइजेशन हुई थी और फिर मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी, हम सब ने रिक्वेस्ट की थी कि इसकी इनॉग्रेशन पे आए. थोड़ी लेट इसलिए हुई बिकॉज ऑफ फ्लड्स. हम जो फ्लड से गुजरे हैं आपने तो फर्स्ट हैंड हर जगह पे देखा है. यू विजिटेड ऑलमोस्ट एवरी प्लेस इन द प्रोविंस. और ये मौका ये भी कहूँगा कि जी इन फ्लड्स के लिए एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू दी गवर्नमेंट एंड द पीपल ऑफ चाइना फॉर हेल्पिंग अस ड्यूरिंग दिस फ्लड्स. बट एज वी से वी नीड मच मोर. We need a lot of support from the federal government. We need to take care of our people here in the province. और हमने ये करना है सर. आज ये 330 मेगावाट का थर एनर्जी लिमिटेड का, जिसके मेन स्पॉन्सर्स आपको है, उनके प्लांट का आप इफ्तिताह कर रहे हैं. इंशाल्लाह जल्द ही आपको फिर तकलीफ देंगे. थल नोवा का 330 मेगावाट का पावर प्लांट है. डिसम्बर इज़ वॉट आई हेयर. दिसंबर में उसकी इनॉग्रेशन के लिए बुलाएंगे. और अगले साल फर्स्ट क्वार्टर ब्लॉक वन जो दूसरा ब्लॉक है हमारा, उसमें शंघाई इलेक्ट्रिक का 1320 मेगावाट्स का पावर प्लांट. सो सर बाय फर्स्ट क्वार्टर नेक्स्ट ईयर 2640 मेगावाट्स वुड बी एडेड इन द नेशनल ग्रिड फ्रॉम आर इंडिजिनस सोर्स ऑफ थर कोल. स्टोरी डज नॉट स्टॉप हियर. एक तो हमने इधर और बहुत सारे पावर प्लांट से, आपने बताया था 175 बिलियन टन, सिक्स लार्जेस्ट कोल रिजर्व्स इन द वर्ल्ड, द इक्विवेलेंट ऑफ एनर्जी ऑफ ऑयल ऑफ सऊदी अरेबिया एंड ईरान. और हम कर क्या रहे हैं? कुछ भी नहीं उसके साथ. हमने इसको और एक्सप्लॉइट करना है. हमने जो हमारे प्रमुख साहब, एक और चीज़ मुझे याद आ गई. जुलाई ऑफ 2013 CCI की मीटिंग में हुकूमत सिंध ने कहा कि जी जो भी पावर प्लांट्स बनाएं आप पाकिस्तान में, उनको थर की स्पेसिफिकेशन पे बनाएं. उस वक्त जामशोरों की चल रही थी अपग्रेडेशन. अनफॉर्चुनेटली कहा गया नहीं जी हम बहुत एडवांस स्टेज में, एशियन डेवलपमेंट, इफ आई रिमेंबर करेक्टली एशियन डेवलपमेंट बैंक का शायद लोन था और वो सारी डिज़ाइंस हो गई हैं, वी कैन नॉट चेंज नाउ. और आज हम क्या कह रहे हैं कि जी कोई तरीका करें कि इनको ब्लेंड भी करें. प्राइम मिनिस्टर साहब आपने आते हुए कहा भी था कि वी नीड टू मेक वन टाइम इन्वेस्टमेंट, चेंज द बॉयलर सो दैट दे कैन टेक आर इंडिजिनस कोल एंड सेव द फॉरेन एक्सचेंज दैट वी आर स्पेंडिंग ऑन इम्पोर्टेड कोल विच इज़ बिकम टू एक्सपेंसिव फॉर अस. और ये कोल अगर हम इसमें इकोनॉमीज ऑफ स्केल लाएंगे तो ये चीपेस्ट सोर्स ऑफ पावर आपका है. इसके साथ साथ वी नो यू नो कोल. एक तो आप जब गए थे चेयरमैन हपको ने आपसे सवाल भी किया था कि जी आप में कोई फर्क नजर आया इधर. वी आर कंप्लाइंट, सारे जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उन सबको कंप्लाई करते हैं. उन टॉप ऑफ इट हमने अपने ऊपर और सख्त स्टैंडर्ड्स जो कि लेंडर्स भी नहीं मानते वो भी हमने अपने ऊपर इम्पोज किए हुए हैं इन्वायरमेंट के, ताकि हम
जो है इन्वायरमेंट को ख़राब ना करें, और लेकिन इसके साथ साथ सिंध जो है ना सिर्फ कोल में रिच है, सिंध इज़ द एनर्जी बास्केट ऑफ पाकिस्तान। हम 70% गैस पाकिस्तान का प्रोड्यूस करते हैं इस वक्त। हमारा विंड रिन्यूएबल्स का, विंड और सोलर का पोटेंशियल, विंड कॉरिडोर हमारा 50,000 मेगावाट दे सकता है। हम एक पैकेज की सूरत में इसको लाना चाहते हैं कि दुनिया को अगर कोई एतराज़ है, हम जैसे आपने बताया प्रेजिडेंट जरदारी ने इधर आके हुक्म दिया था कि जी 1 million trees मुझे चाहिए इधर, फॉर ईच एकड़ यू नीड टू प्लांट अ ट्री इधर जो आप इस्तेमाल करेंगे, और वो हम कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला उसको और आगे बढ़ाएंगे। तो सिंध के पास पाकिस्तान की एनर्जी क्राइसिस का हल है। ऑल वी नीड इज़ सपोर्ट फ्रॉम द फेडरल गवर्नमेंट, इंडिजिनस रिसोर्सेज को इस्तेमाल करें, कोयला है हमारी, गैस शेल टाइट गैस जो हमारे पास है उसके लिए बेहतर इंसेंटिव्स दें लोगों को, हमारी रिन्यूएबल्स विंड 50,000 मेगावाट का कॉरिडोर है, सोलर के पोटेंशियल सिंध बलूचिस्तान सदर्न पंजाब इन सब जगह पे है, सोलर इज़ बिकम वेरी चीप, वो पोटेंशियल हमारे पास है ताकि हम मैच करें, ताकि लोग हमें ये ना कहें कि हम माहौल को और ख़राब कर रहे हैं। थर की सक्सेस जो है वो थर के लोगों की वजह से है, ये ज़मीन थर के लोगों की थी, उन्होंने हमारे हवाले की और इस वजह से ये कोयला निकल सका यहाँ। और हमने अब्दुल इम्कान कोशिश की है कि उनका पूरा ख्याल रखा जाए। प्राइम मिनिस्टर साहब आपके पास वक्त की भी कमी थी और थोड़ा सा इधर 9-10 किलोमीटर दूर था, जो 2 villages हमने Block 2 के अंदर डिस्टर्ब की उन सब को घर बना के दिया है, और एक मॉडर्न एक अच्छा टाउनशिप टाइप विलेजेस जो बनाई है, 172 घर की एक विलेज है जिसमें मुसलमान भी हैं हिंदू भी हैं, तो मुसलमानों के लिए मस्जिद हैं, हिंदुओं के लिए मंदिर हैं, कम्युनिटी सेंटर्स हैं, स्कूल्स, TCF के साथ मिलके हम बच्चों को इधर पढ़ा रहे हैं थर के। आपने आज देखा था जब प्लांट पे आप गए कंट्रोल रूम में, तो 2 लड़के आपको लोकल थर ही मिले जो उधर काम कर रहे थे। इसी तरीके से पहली खातून थरी इंजीनियर SECMC में काम कर रही हैं हमारे पास। तो हमने इन लोग, आपने वो डंपर ट्रक ड्राइवर्स ख़वातीन देखी जो ट्रक्स चला रही हैं, और ये ट्रक मैंने आपसे उधर ही कहा था कि मैंने कोशिश की थी, मुझसे भी नहीं चली थी एक बार, और ये ट्रेन करके ये डंपर ट्रक ड्राइवर्स हैं, RO प्लांट्स चला रहे हैं। हमने स्कूल्स का इंतज़ाम किया है यहाँ पे, जो हुकूमत सिंध की इन्वेस्टमेंट है तकरीबन $750 million अपार्ट फ्रॉम द इक्विटी दैट वी पुट इन द इंफ्रास्ट्रक्चर दैट वी बिल्ट। पहली बार थर में आया था 2004 में मेरे ख्याल है, और मुझे कोई 8 घंटे लगे थे मिट्टी तक पहुंचने में, और अब मैंने आपसे जिक्र किया था महेश बैठे हुए इधर, मैंने आपको कहा था हमारे पास एक ड्राइवर है जो 3 घंटे में पहुँचाता है, ऐसे रोड बना दिए हमने। और अगर आपने रोड पे नहीं आना तो हुकूमत सिंध ने एयरपोर्ट बनाया है, वाहिद हुकूमत है पाकिस्तान की प्रोविंशियल गवर्नमेंट जिसने एयरपोर्ट बनाया है, इट्स ओनली फॉर इन्वेस्टर्स ताकि वो इधर एक्सेस उनको मिल सके। वी मेड इन्वेस्टमेंट्स, अस्पताल अपग्रेड किए, हमारा जो मिट्टी का अस्पताल सुनते बहुत हैं उसके बारे में, बट इवन दूसरे डिस्ट्रिक्ट से लोग मिट्टी के अस्पताल में इलाज कराने आते हैं। हमारे पास NICVD का वहाँ पे अस्पताल है इन मिट्टी, पीने के पानी के लिए RO प्लांट हमने बहुत ज़्यादा कोई 600-700 RO प्लांट्स लगाए हैं थर पारकर के अंदर। ये सब इन्वेस्टमेंट किए ताकि लोग इसको ओन करें। इस प्रोजेक्ट की इक्विटी हमारे पास 55% है, 54% एक्चुअली 54, और हमने कहा कि जी हम बिकॉज ऑफ द सॉवरन गारंटी वर ओब्लाइज्ड टिल द गारंटी इज फुलफिल्ड, लोन वापस हो जाता है कि हम 51% इक्विटी रखें। हमने कहा 3% हम लोकल्स को इक्विटी देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा, उस वक्त फिर हमने कहा कि उनको इक्विटी समझ नहीं आएगी, उनको पैसे चाहिए। हमने कहा ये 3% का हमने हिसाब लगाया जो लोकल्स थे, हमने कहा ₹1,00,000 per family साल का एज प्रॉफिट फ्रॉम दिस
माइन इनको मिलेगा और हम उन्हें दे रहे हैं। हमने इस्लाम कोर्ट के लिए, चेयरमैन साहब आए थे, उन्होंने ऐलान किया था कि इस्लाम कोर्ट को जो 200 यूनिट्स तक के कंज्यूमर हैं उनकी बिजली हुकूमत सिंध पे करती है, सीधी हेस्को को हम पे करते हैं, उनको बिल नहीं आता। तो हमने ख्याल रखा और जैसे मिनिस्टर एनर्जी ने कहा था, हम आपसे भी रिक्वेस्ट करेंगे, आपने अभी ऐलान किया है जो डंपर ट्रक ड्राइवर्स थी खवातीन और आरओ प्लांट्स, प्राइम मिनिस्टर साहब ने पर्सनली उनके लिए 5 करोड़ रुपए का ऐलान किया है कि इनकी फलाह के लिए खर्च करें, इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर साहब वो हम आपसे जल्दी लेंगे। हमने थर के सैलाइन पानी से बायो किया है, कॉटन प्रोड्यूस किया है यहाँ और मैंने खुद देखी है, उसको हमने आगे बढ़ाना है। इट्स एक्सपेरिमेंटल बट वी हैव टू टेक इट टू अ लार्ज स्केल। थर सहरा, आपने थर के आज आपने देखा सुना होगा, सहरा में फिशिंग मछलियां हैं, गुरानो इधर से जो पानी निकाला वो हमने एक रिजर्वर में डाला, वहाँ पे फिश सीड्स डाले और वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली वो तस्वीर नहीं दिखाई थी कि मछली का साइज़ आप देखेंगे जो इधर इस रिजर्वर में है वो देखने के काबिल है। तो थिंग्स हैव चेंज, थर भी बदल गया और थर ने पाकिस्तान को भी बदला है। प्रेम साहब, मैं काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लिया है मैं, लेकिन बिफोर आई एंड, जिन लोगों ने, आई माइट फॉरगेट अ फ्यू पीपल, मैं माजरत चाहूँगा उनसे, जिन लोगों ने, मैंने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का जिक्र किया, सदर आसिफ अली जरदारी साहब का जिक्र किया, कायम अली शाह साहब चीफ मिनिस्टर थे, जिस पैशन के साथ, और आपने खुद देखा होगा, आप उस ज़माने में काउंटर पार्ट थे पंजाब में, और आपने देखा होगा कि किस पैशन के साथ वो थर के लिए हमेशा बात करते थे, उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन को आप, हम नहीं भुला सकते। इधर हमारे लोकल सारे मेंबर्स, महेश पलानी बैठे हैं, पता नहीं बैठे हुए हैं सामने, ये रहे हैं हमारे अरबाब साहब हैं, मैं और देख रहा हूँ इधर दो फ़कीर साहब हैं जो इधर लोकल एमपी हैं हमारे, ये सारे लोगों की कंट्रीब्यूशन, और जिस तरीके से, इसलिए कि जब भी इतने बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं वो मिस्क्रियंट्स और मिस्चिफस एलिमेंट्स आते हैं लोगों को बहकाने के लिए, लेकिन इन सब ने उनको संभाला। इसके साथ साथ मैं चाहूँगा, दो शुरू में हमारे साथ एंग्रो कॉरपोरेशन थी, मैं एंग्रो कॉरपोरेशन के चेयरमैन हुसैन दाऊद साहब का भी एक्नॉलेज, उन लोगों ने हमेशा हमारे साथ इन डिफ़िकल्ट टाइम्स जब बहुत थे, और जैसे हमने कहा इस तरीके से आगे चलते रहे। सेकेंड सी ओ ऑफ एस सी सी एम सी, दो वो बाद में कुछ इश्यूज़ हो गए थे, लेकिन आई शुड टेक हिज नेम, शम शेख था, उसने बड़ी मेहनत की थी इधर, और आई डू वॉन्ट टू एक्नॉलेज हिम के इसने जो काम किया था इधर हमारी ब्यूरोक्रेसी में। प्रेजेंट चीफ सेक्रेटरी हैं, ही वॉज ऑलवेज बीन अ मेम्बर ऑफ द एस सी सी एम सी बोर्ड एज फाइनेंस सेक्रेटरी, सुहेल राजपूत साहब, आगा वासिफ मैंने देखे इधर वो बैठे हुए हैं, आगा वासिफ थे, वसीम उस वक्त चेयरमैन पी एन डी थे। हमने एस सी सी एम सी का चेयरमैन बनाया था खुर्शीद जमाली को, बाद में बहुत सारे इश्यूज़ उनके साथ हो गए, उनके भी मैं एक्नॉलेज करना चाहूँगा जो काम उन्होंने किया। ये काम आसान नहीं था इन अ गवर्नमेंट सेक्टर टू डू समथिंग लाइक दिस वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, लेकिन लोग मेहनत करते हैं और उस अल्लाह ताला साथ देते हैं और पॉलिटिकल बैकिंग होती है तो वी गेट थर। और इंशाल्लाह ताला, जैसे कहा कि आज ये आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा दिसंबर फिर मार्च तक दोबारा, एंड इट विल बी यू नो एटलीस्ट वन विजिट और टू विजिट्स एवरी ईयर टू इनॉग्रेट समथिंग हियर, इनॉग्रेट समथिंग फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान। एक बार फिर प्राइम मिनिस्टर साहब मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आप इधर आए और जैसे मैंने कहा कि आपने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, आसिफ अली जरदारी साहब, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, राजा परवेज़ अशरफ साहब, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, इनके जो काम किया उनको आज आपने एज प्राइम मिनिस्टर आगे बढ़ाया और इधर थर आए, और इंशाल्लाह ताला वी स्टार्ट फ्रेश अगेन, और हम आपको इधर, और आई कंसिडर दिस एज वंडर ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। थर मैं बता रहा हूँ, जब पहली बार इधर आए थे आदमी सोच भी नहीं सकता था कि यहाँ पे ये सब हो सकता है, इट वॉज़ द मिडल ऑफ नोवेयर, बहुत सारे इम्पेडिमेंट्स थे लेकिन वो सब क्रॉस किए हैं एंड वी बीन एबल टू
मेक दिस सक्सेसफुल। मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ और ख़ास तौर पे थर के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ जिनकी वजह से ये प्रोजेक्ट आज बना है। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सो मच।